हैं? पानी वाला पानी। हाँ। उनका जो बरसात का जो इसे उनका जो आदि है? आदि। उनका जो आदि है। उनका जो आदि है? आदि का मतलब होता है एक तो बिगनिंग, शुरुआत का, और एक आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, प्रैक्टाइज्ड। कौन से आदि की बात कर रहे हैं? जो पानी है वो दो तरह का है, एक तो है स्थूल जल, जो स्थूल जल होता है उसका आधार धरणी होती है। क्या जल कहाँ टिकेगा? आसमान में टिकेगा, हवा में टिकेगा, आग में टिकेगा या धरणी पर टिकता है? धरणी पर ही टिकता है। यज्ञ के आदि में ज्ञान जल कहाँ से आया? दुनिया वालों के पास। और मध्य में भी कहाँ से आता है? देने वाला निमित्त कौन बनता है? जो देने वाला निमित्त बनता है वो जब चाहे तो सबसे ले भी सकता है कि नहीं है? हाँ। तो जिसको महाकाली कहा जाता है वो महाकाली सबकी बुद्धि को घुमा देती है। महाकाली माने पृथ्वी माता, सत्युग के आदि में होती है गौरी और कलयुग अंत में बन जाती है महाकाली। वो ज्ञान जल उसका आधार है, लेकिन ज्ञान जल भी दो प्रकार का है, एक सतोप्रधान और एक तमोप्रधान। माता भी दो प्रकार की है, एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धरणी। क्या नाम है उसका? अभी मुरली में भी आया, भारत माता। और एक है नंबरवार धरणिया, जो नंबरवार धर्म खंड कहे जाते हैं, वो लास्ट तक आते रहते हैं। तो ये ड्रामा बना हुआ है, लास्ट में वो फर्स्ट क्लास धरणी प्रत्यक्ष होंगी और चारों ओर तत्व प्रधान ज्ञान फैल जाएगा। दुष्ट संकल्पों की भी निश्चय की नहीं होगी। बरसात का पानी भाप बन करके आता है, उसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या? पहले सागर गर्म होता है, गर्म हो करके पानी भाप बनता है, फिर सतोप्रधान जल बन जाता है। वो सतोप्रधान जल पहले हिमालय जैसे पहाड़ों से टकराता है, फिर पानी बरसते बन करके बरसता है। यहाँ भी ज्ञान जल पहले कहाँ कहाँ से आया? हिमालय है ब्रह्मा, और ब्रह्मा रूपी हिमालय से ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा का वाष्प रूपी जल टकराया और टकरा करके बादलों के रूप में बरस पड़ा। इसलिए दो देवताएं निमित्त बनते हैं, इंद्रदेव वरुण देव, जिनको शास्त्रों में कहते हैं इंद्रावरुणो,
और जोर से बोलो, ये पंखे की आवाज नहीं सुनने देती। ये आगे वाले ही नहीं सुन पाते, हम तो बहरे हो गए मोबाइल की आवाज सुनते सुनते। हम बच्चों में ब्रह्मवंशी में पास होने वाला सूर्यवंशी बनता है। जो फुल पास होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी भी प्रत्यक्ष होते हैं, सूर्यवंशी भी प्रत्यक्ष होते हैं। समझाऊंगा, ये सूर्यवंशी है, ये चंद्रवंशी है, जो पहला पूछ जो फेल हो गए वो चंद्रवंशी। अभी एडवांस नॉलेज लेने में कौन पास हो गए? अंदर वाले रह जावेंगे, बेसिक नॉलेज समझ लो चल रही थी 76 तक, और उसमें मुरली बोला अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे, तो कौन से अंदर वाले रह गए, फेल हो गए? जो विजयमाला की आत्माएं जो कही जाती हैं वो रह गई या पास हो गई? रह गई, तो पता है वो फेल हो गए। ज्ञान के सब्जेक्ट में फेल हो गए या पास हो गए? अभी कहेंगे फेल हो गए। अंदर वाले रह गए, जितने भी सरेंडर थे अंदर अंदर रहे पड़े थे, सब फेल हो गए। और जो घर घर की कीचड़ में रहने वाले थे वो सब पास हो गए। तो कौन चंद्रवंशी हो गए और कौन सूर्यवंशी हो गए? एडवांस में आने वाले साहब सूर्यवंशी पास हो गए। तो हुआ नहीं अभी तक है, तो हुआ नहीं अभी तक। तो कैसे हो गए पास? पास हो जाते हैं तो क्लास ट्रांसफर नहीं होता है, पता नहीं चला? क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी चेंज हो जाता है, टीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, सुप्रीम टीचर भी देखने में आया। पहले हम ब्रह्मा को सुप्रीम टीचर समझते थे, अब ब्रह्मा सुप्रीम टीचर के रूप में हमारे सामने है कि स्टूडेंट के रूप में है? वो स्टूडेंट हो गया तो पता नहीं चला, पता चल गया। अभी फिर ऐसे ही होगा। क्या कहा? क्या एडवांस पढ़ाई चल रही है, एडवांस पढ़ाई में भी वो सिकरा लागू होगा, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर यहाँ अंदर वाले बैठे हुए हैं कि बाहर वाले बैठे हुए हैं? यहाँ जो बैठे हैं वो अंदर वाले बैठे हैं, बाप के सन्मुख वाले बैठे हैं, या जो सन्मुख नहीं है वो बैठे हैं? तो सन्मुख वाले अंदर वाले ही हुए ना, वो लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं आपस में, ईर्ष्या में, द्वेष में, आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, मिलना जुलना भी नहीं चाहते, संगठन में भी नहीं आना चाहते, गीता पाठशाला में भी मुंह दिखाने नहीं जाना चाहते। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये इम्प्योरिटी की निशानी है या प्योरिटी की निशानी है? इम्प्योरिटी की निशानी है।
अभी ये प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली है। वो तो सिर्फ थ्योरी की ज्ञान की परीक्षा थी जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाया। अभी तो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक धारण किया है, कहाँ तक जीवन को पवित्र बनाया है, वो परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने वाला है, जिसमें अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले भी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं समझना क्या है। स्कूलों में कॉलेजों में आजकल पढ़ाई पढ़ाई जाती है, प्राइवेट एग्जाम देने वाले भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो प्राइवेट वाले आगे निकल जाएंगे। ये भी वंडरफुल बात होने वाली है। और बाबा थोड़ी देर पहले मुरली में आया है, ज्यादातर जूम मिसल चलते हैं, जूम किसको कहा जाए? ये पड़ जाता है ना कीड़ा, वो कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। हाँ जी, आदि मेरे मोहनदास मीना है तीन हैदराबाद में अखबारों के द्वारा, तो सारे ने सुना था कि तीन हैदराबाद में थे सारे नौदा चौदह जगह सत्र मिले थे आदि में। हाँ जी, तो वो सारी की तीन हैदराबाद में थे नौदा, हैदराबाद की आबादी ही जनरेशन बाँस जनरेशन ही उस शहर की 9 लाख थी। टोटल पॉपुलेशन 9 लाख थी हैदराबाद की। घर घर में संदेश मिल गया था अखबारों के द्वारा, अमेरिका तक अखबारों में वो संदेश चला गया कि पाकिस्तान में एक जौहरी है जो कहता है हमको 16,000 रानियां चाहिए, 400 मिल गई है। तो हैदराबाद वालों को नहीं पता चला होगा? यहाँ जो भी आते हैं वो आदि वाले आते हैं या अंत वाले आते हैं या मध्य वाले आते हैं? जरूर आदि वाले आते हैं। जब तक पीयू जिंदा रहा होगा तभी तक चली होगी। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, सन 67 की वाणी है, 67 की इसकी 7 में वो 25 वर्ष घटा दो, 42 आया, 42 तक वो पीयू वाली आत्मा जीवित रही। जब तक जीवित रही तब तक वाणी चली, उसके चले जाने के बाद दूसरी आत्मा निमित्त बनी, क्योंकि ब्रह्मा कोई एक का नाम तो नहीं है। ब्रह्मा एक है या अनेक है? अनेकों के नाम ब्रह्मा है। समझा क्या कह रहे हैं? जिसके अंदर से खत्म होगा मन बुद्धि जो है, व्यर्थ में से निकल करके समर्थ संकल्पों में जाएगी तो उसे पता चलेगा या नहीं चलेगा? जो संकल्पों की दुनिया है
जहाँ से दुनिया बनना शुरू होती है, नई दुनिया की शुरुआत प्रैक्टिकल में होगी, वाचा में शुरुआत होगी या पहले संकल्पों से शुरुआत होगी? नई दुनिया का फाउंडेशन कैसे पड़ेगा? पहले संकल्पों से सृष्टि रची जाएगी या वाचा से रची जाएगी या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से रची जाएगी? संकल्पों से सृष्टि ब्रह्मा ने रची। बड़ा बड़ा माने बड़ा, मूल मूल माने जड़। ब्राह्मणों की दुनिया में जो झाड़ है उसमें बड़े से बड़ी जड़ कौन है? कौन से धर्म की जड़ सबसे बड़ी जड़ है? जो प्रायः लोप है, झाड़ में दिखाई नहीं गई है, लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि ये झाड़ की जितनी भी जड़ें हैं उनमें सबसे बड़ी जड़ है। वो जड़ की यादगार वृक्ष बनाया हुआ है बनी एंट्री बंगाल में, खासकर कलकत्ता में, जहाँ से रथ को पकड़ा। वो झाड़ को ऊपर से देखा जाए तो वो जड़ और तना दिखाई नहीं देता, प्राय लोप है, लेकिन अगर उसकी खुदाई की जाए, क्योंकि जितने भी ज्ञान दूध वाले वृक्ष होते हैं उनकी जड़ जहाँ नमी मिलती है, पानी मिलता है, वहाँ सुरक्षित रहती है। इसलिए जब कुआं खोदा जाता है तो नीचे लकड़ी की गोलाई डाली जाती है। वो लकड़ी की गोलाई कौन से वृक्ष की होती है? दूध वाले वृक्ष की गोलाई होती है। दूध वाला वृक्ष का जो जड़ है या जो लकड़ी है वो पानी में सड़ती नहीं है, पानी के बगैर रहेगी तो सड़ जाएगी। तो नदी में जीवित रहने वाली जो लकड़ी है पुराने वृक्ष की, वो अभी भी उस वृक्ष की उस जगह पर खुदाई की जाए गहराई में तो जड़ अभी भी मिलेगी। कलकत्ते में तो नमी अर्थात पानी कितने फुट में मिल जाता है, हैं? अरे 6-8 फुट पर ज्यादा से ज्यादा पानी मिल जाता है। कोई भी जाकर के वहां फावड़ा लेकर के खुदाई करो, वो जड़ मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो वो हो गया बड़ा मूला। ट्रेंगल माने जो एंगल बनाया जाता है। तो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल, कृष्ण और किसकी राशि मिलाई जाती है? क्राइस्ट की। जो क्राइस्ट की दुनिया है उसका बड़े से बड़ा फाउंडेशन अभी किस देश में पड़ा हुआ है? वो बड़े से बड़ा फाउंडेशन कौन सा देश है जहाँ क्रिश्चियंस का बहुत बोलबाला है? अरे वो महानगर कौन है, महाद्वीप कौन सा है? इंग्लैंड नहीं रह गया अब, इंग्लैंड पहले कभी था यूरोप, अभी अमेरिका हो गया है। क्या दुनिया में अभी महाशक्तियों में नाम किसका वाला है? अमेरिका का। वो अमेरिका की राजधानी का शहर कौन सा है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क।
उसके नजदीक है बारामूला ट्रायंगल, उसके नजदीक ही अड्डा जमाया हुआ है। वो तो भूत प्रेतों का अड्डा है, वहां जो भी जाएगा वो पावरफुल से पावरफुल एरोप्लेन एरोप्लेन क्यों न हो, पानी का जहाज क्यों न हो, जब्त हो जाएगा। जब्त हो गया है, इसलिए बड़े से बड़े साइंटिस्ट है चकरी में आए हुए हैं, अपने जहाज को, पानी के जहाज को, हवा के जहाज को, हवाई जहाज को वहां से गुजरने नहीं देते। बेहद की बात कहाँ की है, ब्राह्मणों की दुनिया की बेहद की बात है। ये आत्माएं भी एरोप्लेन है। क्या बेसिक नॉलेज में एरोप्लेन नहीं है? चैतन्य एरोप्लेन है या नहीं है? है, बड़े बड़े एरोप्लेन है, लेकिन उनको वहां तक पहुंचने नहीं देते। कहीं ऐसा ना हो वहां जाएं और वहीं के वहीं डूब के रह जाएं। समझ में आता है? नहीं आता? आता है। और ये वीरेंद्र दीक्षित कहाँ से निकाल लिया वो समझाओ पहले, फिर आगे बढ़ो। सेवक राम अथवा प्रजापिता नाम है, जिसमें भी प्रत्यक्ष होने वाला हो वो प्रजापिता, यज्ञ के आदि वाला, आदि में तो अंत में, जिस मुकर्रर रस में भगवान बाप प्रत्यक्ष हो, सिद्ध होता हो। हाँ तो है? हाँ जी, हाँ बदल जाएगा, नया जन्म होगा। एक ही जन्म तो काउंट हुआ यज्ञ के आदि का, वो 84वां जन्म भी है। क्या 7 साल पूरे होने के बाद ही प्रवेशता हुई या पहले हो गई? वानप्रस्थ अवस्था हुई और प्रवेशता हुई, तो वो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ। मेरे अंत के जन्म के भी अंत का जन्म कहेंगे 76 में, क्योंकि 7 साल ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी नहीं हुई। जन्म 36 में था और 36 में 100 साल ब्रह्मा की आयु पूरी नहीं हुई। वो कब पूरी हुई? 76 में। तो बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म हुआ। कब? 76 में। फिर नया जन्म कहेंगे, वो 21वां जन्म कहें या 84वां जन्म कहें। मन बुद्धि रूपी आत्मा में परिवर्तन आया या नहीं आया? नहीं आया। आया तो 84वां जन्म हो गया। नया जन्म हुआ या फिर मरेगा? हद की मौत मरेगा या बेहद की अनिश्चय रूपी मौत मरेगा? मरेगा या नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म हुआ और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी हो गया। 85वां कह दो। कब तक? जब तक प्रत्यक्षता संपूर्ण नहीं होती है तब तक। फिर कहेंगे 21 जन्मों में से पहला जन्म। तो 21वां जन्म भी है और साथ साथ 84वां, नहीं 84वां जन्म तो खत्म हो गया। कब? 76 में।
प्रश्न अर्थात दादा लेखराज ब्रह्मा का भी 84वां जन्म खत्म हो गया, कब? 87 में। अब कहेंगे एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म प्रत्यक्ष होने वाला है, वो भी जन्म दो प्रकार का होता है। एक होता है पेट में प्रवेश का, उसको जन्म कहें वास्तव में, वो जन्म नहीं है। पीपल के पत्ते पर गर्भ में छोटे बच्चे कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, उसे गर्भ महल कहेंगे, जन्म कहेंगे या सिर्फ प्रवेशता कहेंगे? क्या कहेंगे है? अरे गर्भ में प्रवेश है या जन्म हुआ? प्रवेश है 87 में, तो प्रत्यक्ष भी होने वाला है संगम विधि कृष्ण के रूप में। और अरे अब 33 करोड़ देवताएं क्या है, 14 रतन क्या है, एक एक का पार्ट बाबा बैठ करके बतावेंगे क्या कि अपने अपने मुख से खुद अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे है? अपने मुख से, अपनी चलन से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से अपने पार्ट को खुद आत्माएं प्रत्यक्ष करेंगी, बाबा बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि अमुक आत्मा का ये पार्ट है। आत्मा का माता पिता नहीं होता है, आत्मा का तो सिर्फ बाप ही होता है। आत्मा की राम वाली आत्मा कहेंगे तो उसका बेहद का बाप कौन है? जो तुम्हारा बाप, जो तुम्हारा बाप तो राम वाली आत्मा का बाप। हाँ जब ये कहो राम वाली आत्मा का संगम युग में साकार में बाप कौन होता है, संगम युग में साकार में बाप कौन है जो शास्त्रों में गाया हुआ है? राम के बाप का नाम क्या गाया हुआ है, है? दशरथ, जैसे कहते हैं दस तीस, तो कौन साबित होता है दस तीस? तीस वाला कौन है? दस तीस वाला रावण। ऐसे ही दशरथ माने राम वाली आत्मा तो बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, उससे पहले झाड़ में बैठे हुए दशरथ पहले ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं, चित्र भी दिए हुए हैं। झाड़ के चित्र में 2 गुप्त और 8 प्रत्यक्ष रथ बैठे हुए हैं या नहीं बैठे, वो दशरथ हो गए। पिता ही हैं, उनको ज्ञान में जन्म देने वाले हैं, बिना बेसिक नॉलेज के एडवांस ज्ञान में आ जाएगी राम वाली आत्मा, आवेगी। हाँ तो वो बाप हुए। वो 3 प्रकार के हैं क्या? उनमें एक है कई कई, जिसके कई कई पति हैं, एक ऐसी अम्मा भी है दोगला पाठ बजाती है, एक है कौशल्या कुशलता का पाठ बजाती है, योग है कर्म सुकौशलम कुशल बुद्धि है, एक है सुमित्रा, कैसी मित्र है, सुंदर मित्रा, सुंदर है, फीमेल दोस्त है, धोखा देने वाली नहीं है,
तीन प्रकार के धर्मों में से तीन प्रकार की आत्माएं हैं माता के रूप में। तीनों ही मिलकर के कोई जन्म देती है, कोई पालना देती है। रामायण में उनको तीन नाम दिए हुए हैं, महाभारत या भागवत में भी उनको तीन नाम दिए हुए हैं। कौन कौन है? अरे कृष्ण के साथ उसका भाई कौन दिखाया जाता है? बलराम। कृष्ण को एक जन्म देने वाली माता कौन? देवकी। एक पालना देने वाली माता यशोदा। और एक उसके भाई की माता रोहिणी। माता जी को डर लग रहा है, कहीं फुल बैगर माताओं को तो नहीं बनना पड़ेगा हैं? अरे ये आत्मा की बात है या स्त्री पुरुष की बात है? आत्मा ऐसा पाठ बजाए फुल बैगर तो फुल प्रिंस बने, पहले पूरा खाकीन हो जाए ईश्वरीय सेवा के अर्थ। तन तन नहीं, मन मन नहीं, और धन धन नहीं। तन मन धन तीनों संपत्तियों में से मेरा कोई भी नहीं, सब कुछ तेरा, और प्रैक्टिकल में तेरा कर दे, सिर्फ कहने कहने के लिए नहीं। वो हो गए फुल प्रिंस नंबर वार। है माताएं अपने को माता स्थिति में स्थित किए हुए हैं तो रुद्रमाला का मड़का है? नहीं है तो फुल प्रिंस कैसे बनेंगी? पहले तो देवान नहीं खत्म हो रहा, मैं स्त्री हूँ, पहले ये देवान खत्म होना है कि मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। कंट्रोल करने के लिए तो फटाक से रुद्रमाला का मड़का बनेंगे, पूरा परिवार हमारी मुट्ठी में रहे। देवान जल्दी नहीं छूटता है। हाथ तो उठा दो। हाँ सुनो सुनो ध्यान से, हमको नहीं आवाज आ रही। आत्मा रूपी सुई की हाँ डायरेक्ट बाप से सीख हो गया। सुई माने आत्मा। सुई की नोक जितनी छोटी होती है, महीन होती है, ऐसे आत्मा भी बहुत महीन है। सुई की नोक में जैसे कट चढ़ी हुई होती है और चुंबक रख दी जाए उसके पास तो पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी, क्योंकि नोक के ऊपर कट चढ़ी हुई है विकारों की, देवान की। कट उतर जाए तो क्या होता है? सुई की नोक को वो चुंबक चिपकाए लेगी। उसको वर्मा को ब्रह्मा को तीन मूर्ति वाले को काला मुंह तीन को पैर दिखाया, तीन पैर दिखाया गया। पाँव माने क्या?
गोल वाले पाँव, पाँव माने बुद्ध रूपी पाँव। क्या जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा है वास्तव में भक्ति मार्ग वालों ने कह दिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा की तीन मूर्तियां, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है और ब्रह्मा की ही आत्मा शंकर का पाठ बजाती है। लेकिन ये तो भक्ति मार्ग की बात है, ऐसे नहीं है। इसलिए उन्होंने तीन पांव दिखाई दिए। पांव माने तीन प्रकार की बुद्धियां हैं ब्रह्मा की, ब्रह्मा जैसी बुद्धि, विष्णु जैसी बुद्धि और शंकर जैसी मिक्स बुद्धि, मिक्स पार्ट बजाने वाली। और क्या हाँ जोड़ के हैं तो स्वरथ है, स्व माने आत्मा नहीं, स्वरथ है आत्मा का रथ, वो स्त्री चोले का भी रथ हो सकता है और स्व माने आत्मा रूपी पुरुष चोले का भी रथ हो सकता है। स्वारथ माने स्व माने अपना और रथ माने रथ, अपना रथ। अगर आत्मा देहभान में है और चोला भी स्त्री है तो स्वार्थ माने हो जाता है स्त्री चोला, और कहने वाला स्व पुरुष है और आत्म की स्थिति में टिका हुआ है तो उसका स्वरथ है पुरुष रूपी रथ हो जाता है। अर्थ है कि ये रथ माने शरीर, पुरुषार्थ भी बोलते हैं ना, पुरुष आत्मा है, पुरुष पुरुष अर्थ, ये स्व का अर्थ बोल रहे हैं, पुरुष नहीं बोल रहे हैं सिर्फ। पुरु पुरु माने पुरी, ये शरीर रूपी पुरी, पुरी माने जैसे कहते हैं जगन्नाथ पुरी, शहर का नाम हो गया पुरी, तो ये शरीर रूपी पुरी हो गई। पुरु माने कोई शहर का नाम है, जैसे कानपुर, तो ऐसे ही पुरुष, पुरु माने रहने का स्थान, अस्सा माने सेते सोता है, आराम करता है, आनंद करता है, पुरी में शहर के अंदर रह करके आराम करता है, जंगल में तो आराम मिलता नहीं। तो पुरुष अर्थात इस शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाला माने आत्मा, फिर उसके लिए कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब ये हुआ आत्मा के अर्थ जो किया जाता है वो है पुरुषार्थ, और रथ के लिए जो किया जाता है वो है स्वार्थ। स्वार्थ में और पुरुषार्थ में जमीन आसमान का अंतर है। स्वार्थ होता है सिर्फ एक जन्म के लिए और पुरुषार्थ होता है 84 जन्मों के लिए, क्योंकि आत्मा 84 जन्मों में वो ही एक रहेगी और रथ तो यहाँ का यही खलास होने वाला है।
तो स्वार्थ के पीछे पड़ना अच्छा है, स्वार्थ अच्छी बात है या परमार्थ या पुरुषार्थ अच्छी बात है? पुरुषार्थ अच्छी बात है, दोनों एक ही नहीं है? सत्युग में सत्युग में ज्ञान नहीं रहता, सत्युग में ज्ञान स्वरूप रहता है। ज्ञान स्वरूप में टिकना अच्छा है या ज्ञान बघारना अच्छा है? विष्णु अच्छा है या शंकर अच्छा है? लक्ष्य क्या है जीवन का? विष्णु बनना। जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु बनना, या शंकर बनने का लक्ष्य है? नहीं, इसलिए मुरली में साफ मना कर दिया है, तुमको शंकर को फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा, गड़बड़ नहीं कर देना है। किसने मना किया? उसके गीता पाठशाला में रोज आने का प्रूफ है, रजिस्टर में रोज साइन या अंगूठा लगता है, तो उसको बाबा के सामने आने से कौन मना करता है? माना बच्ची कर चुकी कि नहीं? बच्ची कर चुकी कि नहीं? तो कोई दो चार मिलकर के उसे बच्ची करा दो, कोई जिम्मेवारी ले लो। तो ये सोचता है, ये अनुमान है, और अनुमान से नुकसान हो रहा है उस आत्मा का, तो फिर बाबा की तो परमिशन है, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा पर 80 साल की बुढ़िया भी जाती रही है, वहाँ तो पैदल जाना पड़ता है चढ़ करके। अभी तो बहुत साधन बन गए हैं, जो लूले लंगड़े वृद्ध अपाहिज होते हैं उनको स्टेशनों पर और हवाई अड्डों पर उनको कुर्सी मिलती है स्पेशल, पैसा खर्च करो और आराम से जाओ, घर में इतना आराम नहीं मिलेगा जितना वहाँ सफर में आराम मिलेगा। जो दूर है वहाँ 7 दिन में एक बार, महीने में एक बार भी जाया जा सकता है, लेकिन रेगुलर, ऐसे नहीं महीने में या 7 दिन में कभी एक बार गए फिर 2-4 महीने के बाद गए, उसको रेगुलर नहीं कहेंगे। अगर 4-6 घंटे दूर है, 4 घंटे दूर है और महीने में एक बार भी जाते रहे और लगातार जाते रहे तो उसे रेगुलर ही कहेंगे। जो दूर रहने वाला है वो डेली का सवाल ही नहीं, जहाँ का वाइब्रेशन खराब है वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा बनाओ, बनाएगा कौन? बाबा हाँ, तो अब
अपने घर में खोल दो। क्यों? कुमार तो पांडव भवन खोल दो, भाइयों का तो कल्याण हो जाएगा। हैं? माताओं कन्याओं के लिए कोई माता बुद्धि हो वो शक्ति भवन खोल दे, कन्याओं माताओं को कल्याण हो जाएगा। हाँ है परमिशन, लेकिन शक्ति भवन में कुमारों को जाना वर्जित और पांडव भवन में कन्या माताओं को जाना वर्जित। गायों के बाड़े में बैल नहीं घुसने पाए और बैलों के बाड़े में गैया नहीं जानी चाहिए, नहीं तो परमिशन कैंसिल। जिम्मेवार होंगे वो जो श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाएंगे। माने बाबा देहबानी है, बाबा देहबानी है, पूछने वाला आत्मा अभिमानी है। वाह भाई वाह वाह, चलो पूछने वाला पास हो गया और बाबा फेल हो गए, राम वाली आत्मा होगी ना। है? क्या गीता पाठ में आना जाना करता है, करता रहता है, भाई है तो क्यों नहीं जा सकता है? माताएं नहीं जा सकती, माताएं पांडव भवन में नहीं जाए, भाई लोग जाए। बाबा को तो आया ना, पांडवों को सबको संदेश मिल गया क्या? पांडवों को माताओं कन्याओं की बड़ी चिंता रहती है, अपने हमजिंस की चिंता नहीं उतनी रहती है। हाँ कन्या माताएं बहुत सुनती है, खास करके कुमारों की बातें। वाह भाई वाह, तुम तो साइकोलॉजी अच्छी पढ़ी। काम की बात बताइए, तो काम की बात पूछता है। वो भी नियम बनाया हुआ है, कई माताएं ज्यादा हैं, ज्ञान सुनने वाली भी हैं, सुनाने वाली कोई माता कन्या नहीं निकल रही है, तो पांडवों का काम है कोई भी बूढ़ी माता को साथ लेकर के जाकर के सुने। माता साथ में होनी चाहिए, सुना सकते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, भक्ति की हुई हो, रोज क्लास करने वाली भी हो, बच्चा ही नहीं बनी तो उसको साथ लेने से क्या फायदा। बिल्कुल है, सेवा करने के लिए भाई लोग भी तो हैं ढेर सारे। पांचों उंगलियां एक जैसी होती हैं क्या? सब भाई एक जैसे होते हैं? हैं? नहीं, कोई
कोई पांडव होते हैं, कोई कौरव होते हैं, कोई यादव होते हैं। पांडव भी एक जैसे नहीं, कौरव भी एक जैसे नहीं, यादव भी एक जैसे नहीं। ब्रह्मा को फॉलो करो, बोला है एक पार्षद आपने बोला है कि वही बात समझाते समझाते ब्रह्मा को विष्णु को फॉलो करो एक बात आ गया, तो बड़ी माँ हो गया, वो हो गया बड़ी माँ, बाबा ने बोला है वो बड़ी माँ, तो कैसे बड़ी माँ को फॉलो करें, उसको भी तो नहीं देखे। माने गांधी जी को जिन्होंने नहीं देखा है वो गांधी जी के जीवन को फॉलो नहीं कर सकते, गांधी जी के जीवन के बारे में सुना नहीं है, हैं? सुना है? अच्छा, माने जो चीज आँखों से देखी जाती है उसी को फॉलो किया जाता है, कानों से जिसको सुनते हैं वो फॉलो नहीं किया जा सकता, बुद्धि से जिसको समझते हैं उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ अंधों का डब्बा गोल हो गया, अंधों का डब्बा गोल हो गया, वो तो भगवान को याद ही नहीं कर सकते, वो ब्रह्मा को फॉलो ही नहीं कर सकते। अरे इतनी मुरलियां सुनी है, ब्रह्मा के चरित्र के बारे में जाना नहीं है, तुम्हारा असली ब्रह्मा कौन है? नहीं पहले ये बताओ, पहले सब बातों को छोड़ दो, असली ब्रह्मा कौन सी आत्मा है उनको बोलने दो। अरे असली को याद करना है, फॉलो करना है या नकली को फॉलो करना है, बताओ कौन है असली ब्रह्मा? कौन? दादा लेकर तो उसी को फॉलो करना, वो कैसे देखने, वो देखने को कैसे मिलेगा? सहन किया, जितना सहन और कोई ने भी नहीं किया, जगदम्बा ने भी नहीं किया, जगत माता ने भी नहीं किया, तो भारत माता ने भी नहीं किया, उसको फॉलो करना है। ये बात दूसरी है कि 63 जन्म हमारा हिसाब किताब किसके साथ ज्यादा रहा है, वो ही ज्यादा याद आएगा। ये कोई बात नहीं हुई कि ब्रह्मा हमारे सामने होगा प्रैक्टिकल में, तभी हम ब्रह्मा को फॉलो करेंगे, नहीं तो हम महाकाली को फॉलो करना शुरू कर देंगे, वही हमारी जगदम्बा है, वही हमारा ब्रह्मा है, ये कोई बात नहीं होती है। माना जो अंधे लोग हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, उनका जीवन बर्बाद हो गया। बाबा तो कहते हैं आज कोई अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गोरी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी ये पुरुषार्थ कर सकता है नरसिंह नारायण बनने का। ये बात दूसरी हो सकती है कि हमारा पूर्व के 63 जन्मों में कोई का जगदम्बा के साथ ज्यादा लगाव रहा है, उसको जगदम्बा ही ब्रह्मा के रूप में अच्छी लगेगी, कोई का महाकाली के साथ लगाव रहा है उसको वो ही माँ के रूप में अच्छी लगेगी, कोई का ब्रह्मा के साथ लगाव रहा है वो ही माँ के रूप में अच्छी लगेगी, कोई का ओम राधे के साथ लगाव रहा है तो उसको वो ही माँ के रूप में पसंद आएगी, ब्रह्मा भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन मुरली में बोला है ब्रह्मा को फॉलो करना है तो ढूंढना पड़े कि वास्तव में ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा कौन, वो असली जगदम्बा है कौन। मुरली में जितनी संधि हुई है वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, तो वास्तव वाले को फॉलो करना है या दूसरे को फॉलो करना है? वास्तव को ही फॉलो करना है, दूसरा कोई पार्टधारी हुआ ही नहीं दुनिया में जिसने इतना सहन किया हो, अगर कोई हुआ है बाहर की दुनिया में, बेसिक वालों की दुनिया में या एडवांस वालों की दुनिया में जिसने इतना सहन किया हो तो उसका नाम बताओ, है कोई? कोई नहीं। सहन शक्ति सब गुणों का राजा है, गुण
निदान देवता बनना है तो ब्रह्मा को फॉलो करना है। जितने भी हैं माना रुद्रमाला से देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन पड़ेगा ही नहीं। जो भी विधर्मी विदेशी हैं वो सजा खाते हैं या नहीं खाते है? खाते हैं। माने रुद्रमाला के मणकों में पाए कोई ऐसे मणके नहीं है जो सजा न खाते हो, है कि नहीं है? अरे क्या क्या बात बना लेते बैठे बैठे। पांच मुख वाला ब्रह्मा कौन है? एक आत्मा होगी या पांच आत्माएं होंगी? पांच आत्माओं का कॉम्बिनेशन पांच मुख वाला ब्रह्मा होगा या कोई एक आत्मा पंचमुखी ब्राह्मण बन जाएगी? पांच आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन वो पांच मुख वाला ब्रह्मा बता दिए। दो यज्ञ के आदि वाले ब्रह्मा सरस्वती तो है ही, लेकिन उनको पढ़ाई पढ़ाने वाले कौन थे? प्रजापिता और प्रजा माता चार हो गए और बीच में बन गई ओम राधे मम्मा। ये पांच आत्माएं हो गई जो विष्णु की चार भुजाएं और चार भुजाओं को चलाने वाला एक मुख, पांच मुख वाली ब्रह्मा बन गई। विष्णु की चार भुजाएं हैं तो चार भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं या संपूर्ण चैतन्य बुद्धि है? चार भुजाएं जिनकी बुद्धि चलती है पूरी पूरी वो चैतन्य मुख वाली बुद्धि है या जड़त्वमयी बुद्धि है? चैतन्य भुजाएं चैतन्य होती है या जड़ होती है? भुजाएं जड़ होती है, उनको चलाने वाली बुद्धि अलग होती है। तो विष्णु की चार भुजाएं अलग हैं, उन चार भुजाओं को चलाने वाला कोई चैतन्य बुद्धि आत्मा अलग है। इसलिए विष्णु के चार भुजाएं दिखाई जाती है। जी हाँ, चार भुजाएं जो हैं वो चारों की चारों भुजाएं माता का पाठ बजाने वाली हैं। क्योंकि ब्रह्मा माने पालना करने वाला या विनाश करने वाला है? होता पालना करने वाली है बीते। गेट खोलने वाली है वैक्यूम नहीं है शरीर के अंदर, पेट के अंदर वैक्यूम नहीं है, इस दिमाग के अंदर वैक्यूम कहीं नहीं है। वैक्यूम माने खाली हिस्सा। एक अणु होता है ना उसमें भी वैक्यूम होता है, पांचों तत्व होते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि पृथ्वी में जल तत्व नहीं है, हवा तत्व नहीं है। एक एक तत्व में पांचों तत्व समाये हुए हैं।
जैसे रावण के पांच विकार संगठित होकर के कार्य करने में सिद्ध हस्त हैं, ऐसे ये पांचों तत्व भी मिल करके कार्य करते हैं। ब्रह्मा जब नहीं था नहीं, मुरली में तो बोला है मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई और थे, तो ऐसे नहीं बाबा कोई पढ़ाई पढ़ाने वाले थे, पढ़ाई पढ़ाने में पढ़ने वाली मम्मा भी थी, ओम राधे मम्मा, इन्हें मम्मा बाबा के भी टीचर बन करके बैठते थे, वो कौन थे हैं? हाँ जी, अच्छा उस टाइम प्रजापिता था ही नहीं हैं? 42वीं सदी छोड़ दिया, उसके पहले तो थे ब्रह्मा बाबा और हम राधे, 42 से पहले थे या नहीं थे हैं? थे तो उनके पढ़ाई पढ़ाने वाले भी थे। चलो।